नाउ बेटा बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू पुट द डेट, है ना। हमेशा की तरह हम डेट लिखेंगे, टुडे इज 14th August 2020। और यहाँ क्या लिखेंगे, क्लास वर्क। ओके मैम ने यहाँ क्या लिखा है, राइट ए टू एल, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए बी सी डी लिखेंगे, ठीक है। आपको तो आता है ना लिखना, एक बार फिर मैम आपको रिवाइज कराएगी, ठीक है। ए लिखने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे रेड लाइन से, और एक स्लांटिंग लाइन देंगे ऐसे, ठीक है। फिर एक और स्लांटिंग लाइन जो टच करेगा हमारी सेकेंड ब्लू लाइन को, और यहाँ देंगे एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है। और स्मॉल ए बनाने के लिए एक कर्व देंगे ब्लू लाइंस के बीच में, एक स्टैंडिंग लाइन, और थोड़ा सा इसको बाहर निकालेंगे, ऑलराइट। फिर हम वन फिंगर स्पेस लेंगे, या आपके फिंगर्स तो छोटे छोटे हैं इसलिए आप टू फिंगर स्पेस लीजिएगा, ऑलराइट। फिर यहाँ लिखेंगे हम बी, ऑलराइट, ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम स्मॉल बी, जैसे मैम लिख रही है लाइंस टच करके वैसे ही लिखिएगा। फिर अगेन टू फिंगर स्पेस, और लिखेंगे हम सी, ऑलराइट। और यहाँ आएगा हमारा स्मॉल सी, फिर फिंगर स्पेस लेंगे और लिखेंगे हम डी, ऑलराइट, ऐसे, ठीक है। और ये हमारा आ गया इधर स्मॉल डी, और इसी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई, ऑलराइट। स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, स्लीपिंग लाइन, एक और स्लीपिंग लाइन, और एक और स्लीपिंग लाइन, ठीक है। अब बेटा ई बनाते वक्त आप लोग यहाँ से सीधा एक ही बार में बनाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ये जो टू ब्लू लाइंस हैं इनके बीच से एक कर्व बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन अंदर की तरफ, ऑलराइट, उससे आपका काम नीट होगा। फिर यहाँ बी के नीचे ई के बाद आएगा एफ, ओके, और यहाँ पे स्मॉल एफ, ठीक है। ऐसे एक कर्व बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ठीक है। एफ के बाद क्या आता है, ई एफ जी, एक कर्व बनाएंगे जो जाएगा ऊपर ऐसे ब्लू लाइन, फिर अंदर की तरफ स्लीपिंग लाइन, फिर बैक टू दिस पॉइंट, और एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। और यहाँ बनाएंगे हम स्मॉल जी ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, और ये कर्व ऐसे, ऑलराइट। अब जी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, और ये हमारा स्लीपिंग लाइन, और ये स्मॉल एच ऐसे, ठीक है। अभी कोई कोई बच्चे कैसे करते हैं, यहाँ देखिए ऐसे बनाते हैं एच को ऐसे, और ये ऐसे नहीं बनाना है, ये रॉन्ग है, ऑलराइट। ऐसा बनाना है कर्व देके, ओके। नाउ एच के बाद क्या आएगा, आई, है ना। आई तो बहुत ईजी है, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, इसके नीचे भी स्लीपिंग लाइन, और स्मॉल आई तो सबसे इजी है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा डॉट, ओके। अब क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, बोलिए बोलिए, वेरी गुड, जे, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन करेंगे, एक कर्व करेंगे, और यहाँ इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, और स्मॉल जे यहाँ से बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर्व, और यहाँ डॉट आता है बस, ओके। आई जे के, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और स्मॉल के स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ बनाएंगे हम स्मॉल के, ओके। के बाद क्या आएगा, आई जे के, यस, एल, ये ऐसे ऐसे, ऑलराइट, नीटली ऐसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, ऑलराइट, थैंक यू।